हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरु जी। आज हम डिस्कस करेंगे कैम्स कंपनी यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट है म्यूचुअल फंड्स के लिए। और ये कंपनी का जो बिज़नेस है ये पूरा ही पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास। और कंपनी सर्विस प्रोवाइड करता है वेरियस म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और कंपनी के पास मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये बिज़नेस में। और कंपनी का जो फिजिकल नेटवर्क है इसमें अराउंड 271 सर्विस सेंटर है स्प्रेड अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज़। अब देखते हैं कंपनी कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड ओरिएंटेशन इंटरफेस, ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूशन, पेमेंट सेटलमेंट, डिविडेंड प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्ट जनरेशन और ब्रोकरेज कंप्यूटेशन, जैसे बहुत सारे सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करता है। और आप देखते हैं कंपनी के कौन कौन से की क्लाइंट्स हैं, जैसे टॉप जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे HDFC, ICICI, आदित्य बिरला कैपिटल, SBI फंड, DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, कोटक महिंद्रा, ये सारे कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आते हैं। आप देखते हैं कंपनी का जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर चार्ट कैसा है। मेन जो कंपनी है कैम्स, इसके अंडर में 4 सब्सिडरीज हैं, जैसे कैम्स रेप जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज का काम करता है, उसके अलावा कैम्स इन्वेस्टर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो हम कैम्स KRA के नाम से जानते हैं, उसके अलावा कैम्स फिनसर, और चौथा है एक सब्सिडरी है सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम है स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर, और ये भी फाइनेंशियल रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स का सर्विस प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसा है कंपनी का। जो कंपनी का जो टोटल एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट ये अराउंड 18,000 बिलियन रुपीज़ का है FY20 में, और वो अगर हम देखेंगे 2015 में तो अराउंड 6,572 बिलियन रुपीज़ का था, यानी अराउंड 3-फोल्ड इंक्रीज़ हुआ है ये 5 सालों में। उसके अलावा अगर हम FY20 में देखेंगे इनका नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन हैंडल अराउंड 328 मिलियन है, और वो 2015 में 97 मिलियन था, वो भी अराउंड 3 टाइम्स ग्रो हुआ है। उसके अलावा आप देखिए बाकी कितने ये पैन कार्ड्स हैंडल किया है, अराउंड 15.86 मिलियन पैन कार्ड्स पैन अकाउंट्स हैंडल किया है कंपनी ने। उसके अलावा जो SIP ट्रांजैक्शन प्रोसेस अराउंड 237 मिलियन इन लोग ने ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया है, और 2015 में अराउंड 46 मिलियन था, यानी आप देखिए कितना ग्रो हुआ है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। और उसके अलावा उसके रिलेटेड जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है प्रोसेसिंग है कितना ग्रो हुआ है, और ये दिखाता है कि कंपनी का आगे जाके ग्रोथ कैसा होने वाला है। अब देखते हैं टॉप 5 शेयर होल्डर्स कौन कौन है। जैसे नंबर 1 जो इनका जो शेयर होल्डर वो है ग्रेट टेरेन, जो वॉबक पिनकस का एक एफिलिएट कंपनी है, और वो ओन करता है अराउंड 43.53% स्टेक। उसके अलावा सेकंड जो शेयर होल्डर है, सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर, वो है NSE इन्वेस्टमेंट्स, NSE होल्ड करता है अराउंड 37.5% स्टेक। और उसके अलावा थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में HDFC बैंक, HDFC और HDB ट्रस्ट है। ये टॉप 5 शेयर होल्डर्स का लिस्ट है। अब हम देखते हैं ये म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट्स कैटेगरी में कौन कौन से कंपनियां हैं जो ये बिज़नेस में ऑपरेट करते हैं। मेन तो 4 कंपनियां हैं, जो सबसे पहला है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कैम्स, और उसके अलावा केफिन टेक्नोलॉजी, सुंदरम BNP पारीबास, और चौथा कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब देखते हैं इन 4ों कंपनियों का मार्केट शेयर कितना है। कैम्स के पास अराउंड 70% का मार्केट शेयर है ये बिज़नेस में, कार्वी के पास अराउंड 26% का मार्केट शेयर, और तीसरे नंबर पर आता है फ्रैंकलिन, और चौथे नंबर पर आता है सुंदरम विद 1% मार्केट शेयर। अब देखते हैं ये कितने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को सर्विस करते हैं ये सारे कंपनियाँ। जैसे कैम्स का अगर हम देखेंगे मार्च 2015 में तो अराउंड 15 क्लाइंट्स थे, और मार्च 2020 में अराउंड 16 क्लाइंट्स, और इनका जो कार्वी का अराउंड 22 क्लाइंट्स हैं। कार्वी के क्लाइंट्स वो ज़्यादा है लेकिन वो छोटे क्लाइंट्स हैं, और कैम्स के जो क्लाइंट्स हैं वो टॉप कंपनियाँ हैं, टॉप लीडिंग कंपनीज, इसलिए उनका जो भले ही क्लाइंट्स कम है लेकिन उनका मार्केट शेयर ज़्यादा है। अब देखते हैं इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है 2015 से लेके 2020 तक का। देखिए अराउंड 2015 में अराउंड 7.3 ट्रिलियन रुपीस का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट था कैम्स का, और वो अभी FY20 में अराउंड 19.19 मिलियन का आ गया है इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट। और बाकी कंपनियों का भी देख सकते हो कितना है अराउंड। कार्वी का अगर हम मार्केट शेयर CAGR वाइज अगर हम ग्रोथ देखेंगे 2015 से 20 तक, तो कार्वी का अराउंड 10% है, सुंदरम का अराउंड 6.6% है, और कैम्स का अराउंड 18.6% है, यानी लीडिंग कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है। अब देखते हैं इनका जो फाइनेंशियल्स कैसा है। FY17 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 502.63 करोड़, FY18 में 661 करोड़, FY19 में 711 करोड़, FY20 में 721 करोड़, और अप टू 30 जून 2023 मंथ्स का ये जो रिज़ल्ट है ये रेवेन्यू 163 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है।
और नेट प्रॉफिट वाइज FY17 में 124 करोड़ था और FY20 में अराउंड बढ़कर 173.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हुआ है। और इनका जो FY20 के हिसाब से EPS बैठता है अराउंड 35.54, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अराउंड 32.13%, NAV अराउंड 110.71 का है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।